शांत कांति पूर्व जन्म में कौन था, कौन था? कंस। हाँ ये था कंस, इसलिए वही कंस ही वो कृष्ण का मामा, और वही कंस ही कृष्णा ये महाप्रभु अवतार में ये काजी बन करके आया। हाँ ये काजी बन करके आया। अभी प्रश्न है, ये कंस जो कृष्ण को जिंदगी भर जो द्वेष किया, अभी कृष्ण को मारने के लिए पुतना, अगासुर, बकासुर, त्रिणाभर, तो ये सारे दैत्य को उन्होंने भेजा कृष्ण को मारने के लिए, हैं? लेकिन लास्ट में कृष्ण उसको मारे। अभी प्रश्न है, फिर वही कंस महाप्रभु लीला में कैसे आ गए, महाप्रभु लीला में उन्होंने कैसे आए? क्या देखो, इसलिए से चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जब तो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी, मतलब है जिनको कृष्ण लीला में शत्रु रूप में देख रहे हो वो शत्रु नहीं, वो एक स्वरूप में कृष्ण का लीला में मदद करने वाले। अगर कंस नहीं होता, कृष्ण का इतना महिमा सुनते, इतने कृष्ण कथा होता नहीं, अगर काजी नहीं होता फिर इतने कथा सुनते नहीं, नहीं सुनते, रावण नहीं होता, रामायण होता नहीं, होता ही नहीं। एक रूप में देखो ये कृष्ण का शत्रु, लेकिन दूसरे रूप में ये भगवान के सार लीला में ये मदद करते हैं, है? मदद करते हैं। रावण नहीं होता, अगर रावण और कुंभकर्ण नहीं होता, शिशुपाल दंत वक्र नहीं होते, हिरण्यकश्यप नहीं होता, भगवान का लीला ही नहीं। इसलिए फिर महाप्रभु ने उनको जो मामा है, फिर महाप्रभु उनको फिर इसी अवतार में फिर चांदकाज रूप में उन्होंने जन्म दिए। इसलिए उन्होंने जब कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु का भक्त लोग, हाँ कीर्तन कर रहे थे, इन्होंने महाप्रभु का क्या किया, उन्होंने मृदंग को तोड़ दिया। कहते मृदंग कौन है, बड़े श्री दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु। जब महाप्रभु सुने मृदंग तोड़ दिए, हाँ मृदंग तोड़ दिए, मैं इसका हृदय भी तोड़ दूंगा। इसलिए रात को उन्होंने स्वप्न देखा, रात को भगवान महाप्रभु नरसिंह रूप में आ गए, नरसिंह रूप में आकर के उसको छाती के ऊपर बैठ गए, बोले मेरे भक्त का मृदंग तोड़ा तोड़ा तो नहीं, और तेरा हृदय के मैं तोड़ दूंगा। सचमुच से उसने रात में नरसिंह देखा, और देखा सचमुच को छाती में है ना नरसिंह भगवान का नाखून है, हाँ उनका नरसिंह नाखून का दाग है। फिर महाप्रभु दूसरे दिन अपना परिकरों को लेकर के आए, हजार हजार भक्त लोग आए, और आकर के बोले वो कहाँ है का चांद काजी, और उसका घर को तसनस कर दिए। फिर चांद काजी आकर के महाप्रभु के चरण में माफी मांगा, बोले रात को मैंने ऐसे भयंकर मैंने स्वप्न देखा, हाँ कोई एक बिकलार लूप आकर के मेरे को मारने के लिए चाह, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज से मैं कभी आपका विद्वेष नहीं करूंगा, मेरे वंश में भी अगर कोई विद्वेष तुम्हारी करेगा ना उसको मैं त्याग दे दूंगा, उसको मैं त्याग दे दूंगा। इसलिए जब उन्होंने शरीर छोड़े, महाप्रभु जैसे हरिदास ठाकुर जी को गोद में लाए थे, उन्होंने महाप्रभु शांत का जी को यहीं पर गोद में ला करके यहीं पर उन्होंने समाधि दिया, और अपना हाथों से एक टहनिया को गाड़ दिया। देखो वो टहनिया भी कितना बड़ा है, देखो आपको रसिया रसिया रूस की रसिया, कोई ट्रांसलेशन कौन कर रहा है आपका? देखो रसिया में एक कथा सुनो, रसिया में जब प्रचार हुई है, देखो नरसिंह भगवान जो भक्ति करते हैं, नरसिंह भगवान कैसी रक्षा करते हैं, ये आपको एक सच घटना बता, रसिया की घटना है। पहले रसिया था कम्युनिस्ट कंट्री, रसिया वहां पर किसी को हरि कीर्तन करने नहीं देते थे। जब इस्कॉन के भक्त लोग वहां पर कीर्तन शुरू किया, रसिया में कुछ भक्तों को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, अभी वो लोग जेल में बैठ करके, हमारे भारत का लोग तो हरिनाम करते नहीं, वो लोग जेल में बैठ करके जो ब्रेड देते थे ना, ब्रेड को वो ब्रेड को ऐसे माला बना दिया, ब्रेड को ऐसे माला बना करके छोटा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोल करके ना एक ब्रेड को एक जगह पर रखते थे। फिर हरे कृष्ण बोल के एक ब्रेड को रख दिया, कभी कभी कपड़े के गांठ बांध करके उन्होंने तब कैसे भजन किया। ये सब रसिया के देखो, आज ब्रज में होली रसिया, इसलिए एक एक माला बना करके वो ऐसे हरि नाम करते थे। अभी जो लोग बुरे काम करते उनका दंड देते हैं, अभी वहाँ के जो पुलिस लोग थे जो जेल में जो थे ना उनको मारते थे, मारते 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 आ रहे थे,
और ये पास वाले जो इसको ने जो भक्त थे उनको जेल भर्ती किया ये रूम, और वो मारते 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 यहाँ तक खत्म कर दिया। कल से वो इस्कॉन में जो हरिनाम करते थे उनका नंबर शुरू होगा। अभी वो लोग जेल में बैठ करके नमस्ते नरसिंहाया प्रह्लाद नाद दाइने हिरण्यकशिपुर वक्षः शिलान्यकं। अभी वो लोग कीर्तन कर रहे हैं और नरसिंह भगवान को पुकार रहे, प्रभु कल से हमारी नंबर आएगा, पिटाई करेंगे, आज तक खत्म करके चले गए हमारे नंबर। अभी रात भर हरिनाम करते रहे और रात भर नरसिंह देव को प्रार्थना की। देखो ये साक्षात रूप में कलयुग में भी हैं, रात को जो पिटाई कर रहा था ना, रात को भगवान नरसिंह देव उसको पास में चले गए और उसको छाती पर बैठ गए, बैठ कर बोला अगर कल से जो नंबर आएगा ना, वो जो हरिनाम करते हैं, अगर तुम उसको पिटाई किया तो तेरे को जान से खत्म कर देंगे। नरसिंह देव उसको छाती पर बैठ करके, और उसने बोल दिया नहीं, और मैं नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, मेरे को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और आधा शेर और आधा इंसान था, शेर आधा इंसान था आधा, उन्होंने देखकर डर गए, रात भर नींद नहीं आई। और सवेरे सवेरे होते ही ना वो जो जो मारने वाला था वो सवेरे सवेरे इस्कॉन का जो भक्त लोग उनके पास में आए और आ करके बोले तुम्हारी प्रभु कौन है, उनको बोल दो तुमको और मैं नहीं मारूंगा, मेरे अपराध कान पकड़ता हूँ, बोल दो मेरे को मारने नहीं। रात को मेरे पास में कोई एक भयंकर जीव आया था, वो बोल रहा था अगर मेरे भक्तों को मारोगे तो तुम्हारे को मैं भी मार डालूंगा, तुम्हारी जो प्रभु है ना वो प्रभु को प्रार्थना करना, जैसे हम तुमको मारेंगे नहीं और कभी नहीं मारेंगे, उनको मना कर देना मेरे पास में नहीं आए, अब मैं मारूंगा नहीं। देखो अगर अभी भी कोई हृदय से भगवान नरसिंह देव को बुलाए ना, नरसिंह भगवान अभी भी मदद करते हैं, अभी भी नरसिंह भगवान मदद करते। इसलिए हमें हर समय आपत्ति विपत्ति आने पर हर समय भगवान नरसिंह देव को हमें याद करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि भक्ति में बहुत सारी बाधा विपत्ति है, भक्ति में बहुत सारी बाधाएं, लेकिन नरसिंह भगवान सारी बाधाओं को दूर करते हैं। और देखो एक नाम की बात भी है, नाम आभास होता है ना, जिस समय महाराज बात बतला रहे हैं रशिया कम्युनिस्ट था, ये रशियन लोग जानते होंगे, उस समय वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था गर्बाचोव, ठीक है, उस समय बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था रशिया में, कुछ गड़बड़ हुआ, सब लोग बोल रहे थे गर्बाचोव 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 गर्बाचोव, क्या बोल रहे थे, महाप्रभु का नाम लेते गर्बाचोव गर्बाचोव, गर्बाचोव महाप्रभु के भक्त वहाँ पहुँच गए और पूरा रशिया भक्त बन गया। देखो ये महाप्रभु के नाम से आज रशिया में महाप्रभु का वाणी का प्रचार हो रहा है, वो गर्बाचोव के कारण। जैसे जैसे लंका में विभीषण था, विभीषण जी भक्त थे, पूरी लंका में एक ही भक्त है, क्या करते हैं दिन रात, राम 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 नाम का जप करते हैं, और सारी दीवारों पर उन्होंने राम 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 लिखा हुआ अंदर, और घर के बाहर भी राम राम राम, मुंह में राम, हाथ में माला में राम, दीवार पे राम। सारे प्रजा ने रावण को शिकायत कर दी, बोलते हमको तो बोलते शत्रु का नाम नहीं लेना, और तुम्हारा अपना भाई, आपका अपना भाई क्या करता है, शत्रु का नाम लेता है, राम नाम नहीं बोलते, शत्रु का नाम लेता है। रावण एकदम क्रोध में आ गया, हैं विभीषण मेरा भाई होकर मेरे शत्रु का नाम बोला उसको यहाँ पर। तो विभीषण को बुलाया गया, मैं क्या सुन रहा हूँ, तो मेरे शत्रु का नाम लिखा पूरे घर में, मेरे शत्रु का नाम जब करता है, हाँ ये क्या है, बोलते जिसने आपको शिकायत लगाई ना वो गलत शिकायत लगाई, उसको ठीक से ऊपर की बात बताई, अंदर की बात नहीं बताई। बोले अंदर की बात क्या है, बोलते देखो आप मेरे भैया हो ना, आपसे मैं कितना प्रेम करता हूँ, मेरी आपकी जो मेरी जो भाभी है जिसका नाम मंदोदरी है उससे भी प्रेम करता हूँ, अब दिन रात में रावण मंदोदरी बोलता रहूंगा कितना लंबा पड़ता है ना, मैंने रावण का राह ले लिया, मंदोदरी का माँ ले लिया, इसलिए मैं दिन रात राम 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 जब। तो इसलिए जो गौर बचाओ बोला ना, तो सच में महाप्रभु ने रक्षा की। और ऐसी अगर हम लोग भी संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा क्रोध आदि नक्र मक्र कवलि कृतस्य दुर्वासनस्य निर्विशस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलम्बम, हमारा हृदय भी कम्युनिस्ट है, समझ रहे हो, हृदय कम्युनिस्ट मतलब
वो किसी धर्म को मानने को तैयार नहीं, पाप करता है, पाप करने की प्रवृत्ति है सब समय, काम क्रोध लोभ ये सारे शत्रु हैं। तो इसलिए हमको भी आर्त स्वर से क्रंदन करते हुए ऐसे संतों के श्री चांद काजी जी के और जितने भक्त हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ए गौर बचाओ गौर बचाओ गौर बचाओ, हम बड़ी विपत्ति में हैं। जब ऐसे हरिनाम करेंगे महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे तो सच में महाप्रभु भी क्या करेंगे, पूरा रेवोल्यूशन आ जाएगा हमारे अंदर ही, पूरा रेवोल्यूशन आ जाएगा। और क्या करेंगे हम दिन रात हाथ उठाकर बोलो सचिनंदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज ब्रज में होली रे रसिया हरे बोल और चलो।